पिछली बार एकता कपूर और करण जौहर जैसे लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब देश में एक आवाज उठी कि इन नशेड़ी गैंग के लोगों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ड्रग्स जैसी चीजों में शामिल होते हैं, देश का अपमान करते हैं, शहीदों का अपमान करते हैं, गलत और नंगी फिल्में बनाते हैं। एकता कपूर का तो सभी को पता है कि किस तरह की फिल्में बनाती है, करण जौहर अलग से ही ट्रोल किए जाते हैं। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने जनता के दिल की बात सुन ली है, और ये पहली बार नहीं है। आपके दिल में जो भी चल रहा है देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए, मोदी सरकार उसे सुन ही लेती है और वो कर बैठती है, और ये देश के लिए वाकई अच्छी चीज होती है। लेकिन जैसे ही कुछ लोग हैं हमारे देश में, जैसे ही आप बातें करोगे कि हम देशभक्त हैं, हम देश हित चाहते हैं, तो लोग तुरंत कहेंगे कि अच्छा ये बीजेपी से है। मतलब देशभक्ति की बातें करना, देश हित की बातें करना सीधे बीजेपी से जोड़ देते हैं ये लोग। मतलब ये लोग अपने आप को अलग देश का नागरिक साबित करने में तुले हुए हैं। लेकिन इस बार पद्म पुरस्कारों में 128 लोगों का नाम है, जिसमें बॉलीवुड से किसी का भी नाम नहीं है। सिर्फ एक शख्स का नाम है जो वाकई देश के लिए अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे गायक हैं और काफी कुछ अच्छा करते हैं, जिनका नाम है सोनू निगम। वो सोनू निगम जिसे पद्म पुरस्कारों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, और वो सोनू निगम जिसे बॉलीवुड ने पूरी तरह से बॉयकॉट करके रखा हुआ है। सोनू निगम का पूरा करियर ही खत्म कर डाला। अब सोनू निगम बहुत ही मुश्किल से बॉलीवुड के फिल्मों में गाना गाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये है बॉयकॉट सोनू निगम का। लेकिन जो भी हो, मोदी सरकार ने इस बार जिन जिन लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया है, जिन्हें मिलने वाला है, उनको बहुत सारी बधाई, और ये देश के लिए वाकई गौरव की बात है कि अच्छे लोगों को जो देश के लिए वाकई कुछ करते हैं उन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है।